थ्रू आउट दी ट्रॉफिक लेवल्स कैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर से एनर्जी ट्रांसफर होते होते एक एंड कंज्यूमर तक फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचती है सो लेट एस स्टार्ट और बात करते हैं कि वॉट इज एनर्जी फ्लो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है देखिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने कुछ बेसिक फंक्शंस को पूरा करने के लिए जैसे मेटाबॉलिज्म जैसे रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन ग्रोथ के लिए खाना खाने के लिए हम लोगों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी को डिराइव करते हैं फूड से तो ये जो प्रोसेस है किस तरीके से फूड से एनर्जी डिराइव होती है और एंड कंज्यूमर तक पहुंचती है इसी का नाम है एनर्जी फ्लो ये एक ट्रांसफर है एनर्जी का इन दी फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम दी प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स वो जो अपने खाने को खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं अपना खाना खुद बना लेते हैं थ्रू द यूज ऑफ बाई द यूज ऑफ सनलाइट एंड बाई दिथेसिस और कैसे वो टॉप कंज्यूमर जो कि स्टोन स्पीशीज होते हैं या जो ट्रॉफिक लेवल में सबसे ऊपर की स्पीशीज होती है कैसे उन टॉप कंज्यूमर्स तक खाना या उनकी एनर्जी पहुंचती है उसी का नाम है एनर्जी फ्लो अब हम लोग बात करेंगे एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो एनर्जी फ्लो है वो यूनी डायरेक्शनल है unidirectional का मतलब होता है वन साइडेड कहने का मतलब है ये एनर्जी एक तरफा जाती है दूसरी तरफ से वापस नहीं आ सकती अगर मैं इसको आसान शब्दों में आपसे बोलूं तो इसका मतलब ये है कैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक एनर्जी जाती है इसका वाइसा वर्सा बिल्कुल गलत है सो so, कहने का मतलब यह है कंज्यूमर से प्रोड्यूसर तक कभी भी एनर्जी नहीं जाती इट इज ऑलवेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू दी एंड कंज्यूमर एनर्जी हमेशा वन साइडेड ही मूव करती है और याद रखिएगा लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल तक ही जाती है आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कैसे एनर्जी लोअर ट्रॉफिक लेवल में जो ग्रासेस हैं और यहां से मूव करती हुई एनर्जी पिरामिड में सबसे ऊपर के लेवल तक पहुंचती है अब हम बात करते हैं वट आर ट्रॉफिक लेवल्स ट्रॉफिक लेवल्स हम लोग बहुत बार वर्ड यूज कर चुके हैं वट इज ट्रॉफिक लेवल हमें समझना पड़ेगा ट्रॉफिक कम्स फ्रॉम वर्ड ट्रॉफी ट्रॉफी का मतलब होता है नरिशमेंट किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म अपने नरिशमेंट को लेता है अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है इकोलॉजी के अंदर एकोसिस्टम के अंदर उसी का नाम है ट्रॉफिक लेवल्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड हैबिट्स किस तरीके से किस जानवर को कौन सा एनिमल कंज्यूम करता है और किस तरीके से अपनी एनर्जी को लेता है उसी को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड हैबिट्स हम उसको इकोसिस्टम में एक पोजीशन देते हैं एक लेवल देते हैं उस लेवल को ट्रॉफिक लेवल के नाम से जाना जाता है ये एक सिक्वेंशियल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑफ दी स्पीशीज एंड डिपेंड्स अपॉन देयर फूड हैबिट्स आप एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ग्रास ऑफर ग्रास को खाता है और अपनी एनर्जी को कंज्यूम करता है आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रास एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है मतलब ये प्रोड्यूसर्स हैं अपने खाने को खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से और उसके बाद ग्रास ऑफर किस पर फीड करता है ग्रास पर अपनी एनर्जी को डिराइव करता है डायरेक्टली फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर इसलिए इसे प्राइमरी मतलब पहली बार जब प्राइमरी प्रोड्यूसर से कोई एनर्जी को लेता है उसी को हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं और उसको हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल भी बोल सकते हैं सेकेंड में आप देखेंगे किस तरीके से फ्रॉक ग्रास ऑफर से अपनी एनर्जी को पाता है अपने नरिशमेंट लेवल को देखता है और उसकी एक पोजीशन है उस पोजीशन को हम लोग सेकेंड ट्रॉपिक लेवल कहते हैं क्योंकि उसने अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को डायरेक्टली प्राइमरी प्रोड्यूसर से नहीं बल्कि प्राइमरी कंज्यूमर से लिया है इसलिए उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं और ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर आता है थर्ड में हम लोग बात करते हैं देखिए स्नेक आगे चल करके फ्रॉक को खाता है फ्रॉक जो कि एक्चुअल में प्राइमरी कंज्यूमर से अपनी एनर्जी को लेता है और स्नेक जब फ्रॉक को ईट करता है तो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाता है बिकॉज स्नेक सबसे ऊपर है ट्रॉफिक लेवल में एंड कंज्यूमर है और इस एंड कंज्यूमर के पास जो एनर्जी आई है वो आई है सेकेंडरी कंज्यूमर से इसलिए इसे बोला जाता है टर्जरी कंज्यूमर टर्जरी कंज्यूमर को हम लोग थर्ड ट्रॉफिक लेवल के रूप में भी देख सकते हैं अब हम लोग बात करते हैं कैसे एनर्जी फ्लो करती है थ्रू वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स इन ट्रॉपिक लेवल्स में एनर्जी मूव करती है किस तरीके से मूव करती है उसको समझते हैं हम सभी को एक बात पता है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है प्लानिट अर्थ के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन सन से हम सभी एनर्जी को लेते हैं परंतु हम अपने खाने को खुद से नहीं बना सकते हमारे लिए जो हमारा फूड है उसको प्रिपेयर करने का काम करते हैं प्लांट्स वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और कन्वर्ट करते हैं एंड देन फर्दर होती भी आगे बढ़ जाती है so, किस तरीके से plant, को करते हैं और अल्टीमेटली आप देखेंगे हरबी वोर्स एनिमल जो कि एनर्जी को कंज्यूम करते हैं फ्रॉम दी प्लांट हरबी वोर्स का मतलब होता है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स से एनर्जी को डिराइव करते हैं या जो प्लांट बेस्ड मटेरियल को एनर्जी के रूप में खाते हैं सो दीज आर द प्लांट्स इन दिस वे एनर्जी ट्रांसफर्स टू द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल एंड थर्ड में आप देखेंगे कैसे हर्बी अगेन आर ईटन बाय द कार्निवोर्स कार्निवोर्स वो होते हैं जो अपनी एनर्जी को प्राइमरी कंज्यूमर या प्राइमरी कंज्यूमर से ही डिराइव कर पाते हैं अब हम देखेंगे हाउ एनर्जी फ्लोज थ्रू ट्रॉफिक लेवल्स देखिए एनर्जी कैसे फ्लो करती है इसको आगे और डिटेल में स्टडी करते हैं आपको एक चीज समझनी पड़ेगी मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है ऑर्गेनिज्म की वो यूज हो जाती है किस तरीके से यूज हो जाती है फॉर देयर बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फॉर देयर बेसिक डे टू डे एक्टिविटीज रेस्पिरेशन में रिप्रोडक्शन में खाने के लिए मूवमेंट के दौरान इस एनर्जी को ऑर्गेनिजम्स लूज कर देते हैं या स्पेंड कर देते हैं अराउंड बोला जाता है 90 परसेंट जो भी एनर्जी डिराइव होती है एक ऑर्गेनिज्म के पास एक ट्रॉपिक लेवल में नाइन्टी परसेंट वेस्ट हो जाती है या 90 परसेंट कंज्यूम्ड हो जाती है स्पेंड हो जाती है ओनली 10 परसेंट ऑफ द एनर्जी इज मूव्ड ऑन टूवर्ड नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल अगर यहां से आप प्लांट्स की तरफ से देखेंगे मान लीजिए यहां पर हजार किलो कैलरीज है अब जैसे ही प्राइमरी कंज्यूमर उस हजार किलो कैलोरीज को कंज्यूम करेगा आगे जाकर के वो कितना दे पाएगा आगे जाकर के वो सिर्फ और सिर्फ उसका दस प्रतिशत ही पहुंचता है सो अगर हजार कैलोरीज यहां पर है तो इस प्राइमरी कंज्यूमर के पास सौ कैलोरीज आएंगी ये सौ कैलोरीज आगे जाकर के हंड्रेड कैलोरीज बनेंगी एंड दीज हंड्रेड कैलरीजम टेन कैलरीज एंड एट दी एंड कंज्यूमर के पास सिर्फ और सिर्फ एक कैलरी ही किलो कैलरी पहुंच पाएगा बिकॉज ऑफ दर्सेंट रूल ओनली टेन परसेंट ऑफ द एनर्जी गेट्स ट्रांसफर टू दस्ट ट्रॉफिक लेवल बिकॉज नाइनटी परसेंट हमेशा स्पेंड हो जाती है बेसिक एक्टिविटीज के दौरान और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा जब एंड कंज्यूमर की मृत्यु हो जाती है जब एंड कंज्यूमर मर जाता है देन आप देखेंगे डीकम्पोजर्स का रोल आ जाता है जैसे कि बैक्टीरिया फंगाई एलग कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और डीकम्पोजर्स हैं जो कि एंड कंज्यूमर पर फीड करते हैं एंड देन आप देखेंगे एक्चुअल में एट एंड ये न्यूट्रिएंट्स को रिटर्न कर देते हैं ग्राउंड में और फाइनली ये जो न्यूट्रिय होते हैं अगेन इट गोज बैक टू द प्लांट एंड इसी तरीके से पूरा का पूरा ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी मूव करता है सो so, यहां से एनर्जी स्टार्ट होती है प्राइमरी प्रोड्यूसर से उसके बाद जाती है प्राइमरी कंज्यूमर्स तक प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद एनर्जी मूव करती है सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद दी एंड कंज्यूमर इस एंड कंज्यूमर को डीकम्पोज डीकंपोज करके सॉइल के रूप में वापस से न्यूट्रिय को रिलीज कर देते हैं एंड सॉइल से वापिस से प्लांट्स अपनी एनर्जी को डिराइव कर लेते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं इजी मैनर में एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल रूप से एक्सप्लेनेशन सो प्लीज कीप फॉलोइंग चहल अकेडमी यूट्यूब चैनल आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो टिल देन थैंक यू सो मच